और वो अपनी बेटी को मिलने के लिए जाने वाली है, तो रास्ते में उन्हें क्या क्या मिलने वाला है वो देखना है आपने ध्यान से और उसका मजा लेना है। समझ में आया? एक गांव था, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बहुत दिन से उसने अपने बेटी को नहीं देखा था, इसलिए वो उसे मिलने जा रही थी। लेकिन आपको पता है जंगल के रास्ते से उसको जाना है, तो वो बेचारी जंगल के रास्ते से धीरे 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 जा रही है। रास्ते में उसे कौन मिला? बाप रे, ये क्या? ओहो, आज तो मुझे बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो शेर भाई, मुझे खाना जरूर, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ पट्टियाँ। दो दिन रुक जाओ, मैं अपनी बेटी के घर से जाकर आती हूँ, थोड़ी मोटी होती हूँ, फिर मुझे शौक से खाना। बात तो तुम सही कह रही हो। हाँ, तुम्हारी सलाह जरूर मैं मानूंगा। ठीक है, लेकिन अपना वादा भूल मत जाना। अब तुम जा सकती हो। धन्यवाद शेर भाई, धन्यवाद। फिर बूढ़ी औरत आगे चल पड़ी। इतने में उसे कौन मिला? बाप। अरे बाप रे बाप, ये कहां से आ सकता? एक को तो मैंने कैसे तो समझा ही लिया, अब इसे क्या करूं? मुझे तो बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है आज, मैं तो तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। देखो बाप भाई, अभी मुझे मत खाना, मैं बूढ़ी औरत, तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ हड्डियाँ। तो भी रुक जाओ, लड़की के गांव जाती हूँ और थोड़ी मोटी होकर आती हूँ, फिर मुझे शौक से तुम खाना। बात तो तुम तो सही कह रही हो, तुम्हारी बात मान लेना ही समझदारी है। दो दिन रुकने से और मजा आएगा। जा सकती हो तुम। धन्यवाद बाप भाई, धन्यवाद। बूढ़ी औरत आगे चल पड़ी। बेटी अपने घर में काम कर रही है। ओ बिटिया, कहाँ हो तुम? कैसी हो? अरे वाह, तुम आ गई, मैंने तो सोचा भी नहीं आज तुम आओगी। बाप रे, जंगल में तुम्हें कोई मिला तो नहीं? इतने खूंखार जंगल में से तुम आई हो और तुम्हें डर नहीं लगा? अरे नहीं बेटी, तुम्हारे प्यार में मैं सारी जो भी कठिनाइयां थी मैं पार कर चुकी हूँ। अब चलो, दो दिन मैं तुम्हारे पास रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, चलो माँ। दो दिन के बाद माँ उसके घर रहती है और फिर अपने घर जाने के लिए निकलती है, तो बेटी उसे एक कद्दू देती है। माँ, अब तो तुम जा रही हो, लेकिन ये कद्दू ले लो, सर पे ढक कर जाना, तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं अब निकलती हूँ। धीरे 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 वो बुढ़िया अपने रास्ते से निकल पड़ी। बीच में जंगल आ गया, पीछे एक शेर बैठा हुआ था। बाघ, अरे ओ कद्दू, तुमने एक किसी बूढ़ी औरत को देखा है? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं क्यों देखने लगा? अरे लेकिन एक बूढ़ी औरत दो दिन के बाद यहाँ से आने वाली थी, मगर अभी तक आई नहीं है। नहीं नहीं भाई, ये देखने के लिए मुझे तो टाइम ही नहीं है। तो वो शेर वहां पे बैठ गया और कद्दू आगे चला गया। ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन वो बूढ़ी गई कहा?
चलो देखते हैं, इंतजार करेंगे। आगे जाकर शेर उसे फिर से मिला। अरे ओ बटू, रुक जा, तुमने बूढ़ी औरत को देखा है? यहाँ पर मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मैंने तो उसे नहीं देखा। सच बोल रहा है तू? हाँ हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं पता, मेरा मन नहीं मान रहा। नहीं भाई, मैं तो अपने रास्ते से चल जा रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे चलने लगी। शेर सोच में पड़ गया। अरे वो 2 दिन में आने वाली थी, मगर अभी आए कैसे नहीं? लेकिन मुझे इंसानों की गंध क्यों आ रही है? अरे ओ बटू, रुक जा, तुम कौन हो, सच सच बताओ। नहीं नहीं, मैं तो कस्तूरी हूँ, देख लो चाहे तो। लेकिन मुझे इंसानों की गंध क्यों आ रही है? देखो तो जरा अंदर कौन है। और शेर ने उसका मुखौटा निकाल दिया, कद्दू को नीचे गिरा दिया। अरे बाप रे, शेर भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और ये कहते हुए पीछे से बाघ भी आ गया। अरे ये तो बुढ़िया है, इसने मुझे कैसे फंसा कर आगे आ गई? शेर ने बाघ को देखा। अरे ओ तुम कहाँ से आए, इसे तो मैं खाने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, इसे मैं खाने वाला हूँ। देखो दोनों ने मुझे खाना, पर एक बात मुझे बताओ कि मेरा सर कौन खाएगा? वो तो बड़ा बढ़िया है, स्वादिष्ट है। शेर कहने लगा, मैं खाऊंगा क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी कुछ काम नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारा सर खाऊंगा। और दोनों आपस में, नहीं मैं खाऊंगा, नहीं मैं खाऊंगा, नहीं मैं खाऊंगा। इतने में देखकर बुढ़िया अपने रास्ते चली गई और दोनों झगड़ते झगड़ते ही वहां पे रह गए। बुढ़िया ने कद्दू को लिया और आगे बढ़ गई। चल मेरे कद्दू फटाफट, चल मेरे कद्दू फटाफट। कैसे इन दोनों को फंसाया मैंने, अब लड़ो।